जागरण जोश अब सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 7 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। जी लर्न ने देवशंकर मुखोपाध्याय को CEO नियुक्त किया। दीपा कर्मकर को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट के रूप में नामित किया गया। टैरेंटुला की नई प्रजाति का नाम नोबेल विजेता गैब्रियल गार्शिया मार्केज के नाम पर रखा गया। दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त। ट्राई ने रियल टाइम मोबाइल इंटरनेट स्पीड मापने हेतु माई स्पीड ऐप आरम्भ किया। नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन को क्विपर बेल्ट तक बढ़ाया। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन राजमार्ग मिशन शुरू किया। करंट अफेयर्स विस्तार से। जी लर्न ने देवशंकर मुखोपाध्याय को CEO नियुक्त किया। SL समूह की जी लर्न शिक्षा के क्षेत्र में भारत की अग्रणी कंपनी है। SL समूह मीडिया, पैकेजिंग, मनोरंजन, शिक्षा आदि में संपत्ति की एक विविध पोर्टफोलियो के साथ भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक संस्थानों में से एक है। जी लर्न में नियुक्ति से पहले मुखोपाध्याय मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज में शैक्षिक बिक्री, वित्तीय सेवा और बीमा के प्रमुख थे। दीपा कर्मकर को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट के रूप में नामित किया गया। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गयी। उन्होंने 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीता। यह किसी भी भारतीय महिला जिम्नास्ट द्वारा अर्जित पहला पदक था। वे विश्व की 5 सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाली महिला खिलाड़ियों में भी शामिल हैं। टैरेंटुला की नई प्रजाति का नाम नोबेल विजेता गैब्रियल गार्सिया मार्केज के नाम पर रखा गया। यह मकड़ी कैरिबियन कोलंबिया पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाई जाती थी। इसका नाम मार्केज को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रखा गया। इसकी खोज उरुग्वे एवं कोलंबिया के वैज्ञानिकों द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता कार्लोस पेरेफेन ने की। यह मकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए जहरीले नुकीले बाल छोड़ती है जो शिकारी की आंख और त्वचा में घुस जाते हैं। टैरेंटुला प्रजाति की इस मकड़ी की अब तक लगभग 900 मकड़ियों की पहचान की जा चुकी है। दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त। इससे पहले वे राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त यानी APC प्रवीर कुमार के कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। दीपक सिंघल को प्रदेश सरकार ने पिकअप अध्यक्ष और स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली का भी चार्ज दिया है। दीपक सिंघल मुख्यमंत्री के 2 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को भी हैंडल कर रहे हैं, जिसमें गोमती रिवर फ्रंट और बुंदेलखंड तालाब योजना शामिल है। ट्राई ने रियल टाइम मोबाइल इंटरनेट स्पीड मापने हेतु माई स्पीड ऐप आरंभ किया। इसका उद्देश्य ग्राहक को उसके क्षेत्र में बेहतर मोबाइल ऑपरेटर की पहचान करवाना है। यह डिजिटल इंडिया के तहत आरंभ किया गया पहला ऐप है, जिससे धीमी इंटरनेट स्पीड को नियंत्रित किया जा सकेगा। माई स्पीड ऐप निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है, जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है। यह फोन में 23 MB का स्थान लेता है। नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन को क्विपर बेल्ट तक बढ़ाया। इस मिशन में 2014 MU-69 क्विपर बेल्ट पर रहस्यमय ज्ञात वस्तु का पता लगाया जाएगा। नासा के वैज्ञानिकों की आशा के अनुरूप न्यू होराइजन्स 2014 MU-69 31 दिसंबर 2018 या 1 जनवरी 2019 तक पहुंच जाएगा। हबल टीमों द्वारा शुरू में 2014 MU-69 को PT-1 और न्यू होराइजन्स को 1110113Y नाम दिया गया। इसकी खोज 26 जून 2014 को एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग कर न्यू होराइजन्स के लिए एक उपयुक्त क्विपर बेल्ट लक्ष्य को खोजने हेतु की गई। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन राजमार्ग मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत सरकार की 5000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों पर हरित शामियाना उपलब्ध कराने की योजना है।
यह 2019 तक सड़क निर्माण पर 5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का 1% है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए इसे नरेगा से संबद्ध किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर की प्रस्तावित योजना में 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।